चलिए, सो इनबाउंड मार्केटिंग व्हाट इज एग्जैक्टली? इनबाउंड मार्केटिंग रेफर्स टू टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट अ ब्रांड. सम ऑफ दीज स्ट्रेटजीज आर सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, सेंडिंग आउट न्यूज लेटर्स एंड राइटिंग ब्लॉग्स. इनबाउंड मार्केटिंग इज अ फास्टर वे ऑफ रीचिंग आउट टू कस्टमर. सो यहाँ पर इनबाउंड आपको ये फैसिलेट करे कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपने एंड कस्टमर तक रीच अपनी बिल्ड कर सकते हैं. सो दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि कंटेंट मार्केटिंग एंड इनबाउंड मार्केटिंग. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग इज टू मेक अ कस्टमर परफॉर्म एन एक्शन सच एज फिलिंग आउट अ फॉर्म और मेकिंग अ परचेज. सो इनबाउंड मार्केटिंग फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सच अ कंपेलिंग कंटेंट. इन कंटेंट मार्केटिंग अप्रोप्रिएट कंटेंट इज क्रिएटेड फॉर द रिलेवेंट ऑडियंस एंड शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सच एज सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स. कंटेंट से बेसिकली हमारा जो एंड यूज़र होता है उसमें बिल्डअप होता है, जनरेट इंटरेस्ट, बिल्ड रिलेशनशिप्स, अलाउ पीपल टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग एंड ब्रिंग बिजनेसेस. सो एक तरीका ये होता है डायरेक्ट सेल की, हम किसी को एक प्रोडक्ट दिखाते हैं और यूज़र्स को खरीदे. दूसरा ये होता है कि हम यूज़र को उस प्रोडक्ट के बारे में एडुकेट करें और यूज़र को अगर उसका बेनिफिट समझ में आता है तो उसको बाय करें, ठीक है. बट कंटेंट के थ्रू अगर आप जाते हो तो ये टाइम टेकन होता है, लेकिन इसके ROI बहुत अच्छे होते हैं. और डायरेक्ट अगर आप सेल्स का एक ऐड चला के जाते हो तो उसमें आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं. टाइप्स ऑफ कंटेंट की अगर बात की जाए कि क्या क्या टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं जिनको हम लोग मार्केट कर सकते हैं, तो आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियो, इन्फोग्राफिक एंड इमेजेस, दीज आर टाइप ऑफ कंटेंट विच वी कैन मार्केट. आर्टिकल्स, दीज रेफर्स टू द रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दे हैव अ फॉर्मल टोन. ब्लॉग्स, अनलाइक आर्टिकल, ब्लॉग्स आर इंफॉर्मेशन रिटन इन एन इनफॉर्मल वे. वीडियो शुड बी एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव. एन इंटरेस्टिंग वीडियो गेट्स वायरल ऑन द नेट विद इन फ्यू मिनट्स और अ डे. इन्फोग्राफिक्स, दीज आर बेसिकली स्टैटिक्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इन्फोग्राफिक इज द इंफॉर्मेशन इज विजुअली शोन. Images, a creative and interesting image attract users in social media. Blogging as a content marketing strategy. Features, act on strong search engine optimization, provides professional with an insight of their strong knowledge, helps generate uninfluenced customer feedback. So, web marketer should understand that just by hosting a blog or using blogging tools and technologies does not make a marketing campaign successful. To bring the desired result, it is very important to note that blog execution, strategy and management is the key to success in this part of internet. Blog as web marketing powerhouse. Marketing focused blog should bring together all other facts of web marketing such as email, content marketing, online education, SEO, online public relation, जिसको हम PR भी बोलते हैं शॉर्ट में, social media marketing and so on. A clear knowledge of how the blog work for a marketer is essential to leverage the web marketing medium and provide a strong base for its success. To improve reliability and reach and enhance sales. How blog works? तो blog की working को समझना है तो उसके लिए दिव्या. A technical mode of a blogging tool makes it possible for bloggers to easily organize the content, enabling to create a robust user experience. A well-moderated, professionally managed blog effectively creates relationship, communicate relevant information, enhance visibility and leverages the sales figure. Customers always look for point of view. They use web to look for products, services and information.
an organization can't undermine the importance of blog as a marketing tool. Blogging as a content marketing strategy, free blog sites pros and free blog site cons. सो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अर्लियर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ पर लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस के बारे में. फर्स्ट, फ्री ब्लॉग साइट के आप प्रॉन्स देखें कि प्रॉन्स क्या है. द फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट बेनिफिट इज दैट नो कॉस्ट आर इन्वॉल्व. द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ ब्लॉग यूजिंग फ्री ब्लॉग साइट इज़ वेरी मिनिमल. The ease of use offered by free blog sites bring the power of blogging even to the hands of novices. अब इसके disadvantages समझेंगे. The blog web address includes the name of free blog sites. जैसे मैंने आपको दिखाया था अपना अभिषेक शराब एट द रेट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम, विच मे नॉट बी ईजी टू कन्वे टू और रजिस्टर विद कस्टमर. Free blog sites provide only few basic template for free. An important factor is conformance to blog sites policies. If you post something vulnerable on these free sites, maybe your account will be suspended. अब हम लोग डिस्कस करेंगे होस्टेड ब्लॉग, यानी कि जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया था अपनी खुद की वेबसाइट. होस्टेड ब्लॉग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. होस्टिंग अ ब्लॉग ऑन डोमेन क्रिएट्स अ मीनिंगफुल लिंक बिटवीन ब्लॉग एंड द प्रोडक्ट ब्रांड. ऑल द कंटेंट बीइंग पब्लिश्ड ऑन ब्लॉग्स गेट्स इंडेक्स्ड फास्टर बाय सर्च इंजन्स अंडर वन डोमेन. हैविंग अ होस्टेड ब्लॉग अलाउ टू कंप्लीट freedom to customize the blog design. It also gives ease of change the structure of the blog pages, modify look and feel, and give better placement. Hosted blog ke disadvantages. Regardless of number of bloggers, number of bloggers the blog resides on the company's domain, this can't be turned off. Some bloggers who post content on third party sites and prefer to retain their own blogging space. An intense relation between company website and blog may be taken as downside by the market. User generated content. This refers to the content such as post, image and videos created by user. From the standpoint of content marketing, creating most brilliant and power packed content is easiest task. Almost across all industries, user generated content hold larger influence on both user and search engine. Content strategy. When creating a content marketing plan, begin by looking the reference material that is already created within organization. Look at the most frequently asked questions. Look at the materials that customer used to find quick resolution to solve their problems, probably user manual. Connect with people who interact with the customer directly, customer service personnel, to create a repository of questions and process that work towards finding a solution to customers' problems. Summary of this session: content generate interest, build relationships, allow people to know what's happening and bring businesses. Different social media tools have different content formats. Different type of content are articles, videos, infographics and images. As per statistics, billions of videos are watched every day in YouTube. The most important feature of infographic is that information is visually shown such that the data is understood by the audience at a glance. Complicated data can be best presented as infographics. A creative image gets more share, likes and comments in social media tools like Facebook, Instagram. Sites with low file size images download faster.
Blogs act as strong search engine optimization tool to push a business or a product page rank to the highest, bringing it to the topmost results in a search engine. Next, search engine marketing means SEM. PPC ads. Individuals or businesses can buy ad space from search engines to display their ads in the search result. These sponsor ads appear along with the natural or organic search result. The search engine is then paid every time a user clicked the ad. So earlier हम लोग already discuss कर चुके हैं इसके बारे में कि जब भी हम लोग Google में कोई query inject करते हैं और submit करते हैं search के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको top form में कुछ sponsor link आते हैं, then उसके बाद जो result होते हैं आपके वो Google My Business यानी कि local SEO, then उसके बाद फिर आपको दिखाई देते हैं आपके organic result. Importance of keywords in PPC. You should keep following points in light when choosing keywords for a web marketing campaign. Focus on good phrase, avoid vanity keywords, यानी कि broad keyword, जिनमें बहुत सारी possibilities बनती हूँ. Like जैसे कि animation institute. अब animation में what kind of animation institute you are looking for? Like 2D, 3D, animation VFX, animation gaming. So, इस तरह के keywords को हम लोग बोलते हैं vanity keyword. The value of reputation and guiding your content strategy. So, campaign types. Google advertising platform provides the following campaign types like search network and display network, search network only, display network only and shopping ad. तो इस तरह के कुछ ads हम लोग Google पे specific जाके बना सकते हैं. Introduction to Google AdWords. Google has its own advertising system called Google AdWords, जो कि अब आपका चेंज होके हो चुका है ओनली गूगल एड्स. एडवर्टाइजर यूज एडवर्ड्स टू शो क्लिकेबल एड्स इन गूगल सर्च रिजल्ट पेज बाय बिडिंग ऑन कीवर्ड्स. एडवर्टाइजर हैव टू पे ओनली व्हेन द एड्स गेट क्लिक्ड. मेथड ऑफ बिड्स सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक एंड सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन मेथड. डिस्कस करेंगे यहाँ पर कीवर्ड प्लानर. Google also provides a free advert tool called Keyword Planner. This tool provides traffic estimates on a keyword list and guide advertiser in bidding and budgeting. Yahoo Ads. Yahoo provides innovative and powerful ad solution. Advertisers can use Yahoo to create the following ads: Yahoo Jimny, Native Ads, Audience Ads and Premium Ads. But as you know कि Yahoo की popularity बहुत नीचे जा चुकी है, इसलिए Yahoo के ऊपर हम लोग ये plan नहीं करते हैं activity, only हम लोग focus करते हैं Google के ऊपर. An effective search ad is based on best keyword list and several other checks. The following describes them. Ad text should be based on the keyword. Landing page should be what the ad text says. Highlight the product, service or offers such as free shipping. Allow customer to decide by including exclusive price and promotions. Let customer take actions. Create multiple ads for an ad group, as usually ad tools keep rotating the ad and show the best performing ad. Avoid editorial mistakes in the ad text and ensure all information displayed should be clear. Remarketing. Remarketing is a powerful SEM activity used by many professional advertisers. It is based on keeping a track of online behavior of users and displaying regular ads to them on other websites. After a user views a few product on an online store and leaves the store without making any purchase, online ads are regularly displayed on the websites that the user visit. These ads display information regarding the product they browsed and urge them to visit the advertiser's website again. तो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं या किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप जाते हो, वो प्रोडक्ट आप
परचेज नहीं करते तो आपको जिस भी साइट पर जाते हो उसके बाद वो एड्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज अ रीमार्केटिंग। समरी, SEM aims at getting higher natural search rank for a web resource, purchasing sponsor search listing slots at the top of the search results or a mix of both. PPC ads are sponsor ads that appear along with natural or organic search result. Keywords list should include the most relevant words to drive fruitful traffic that may lead to conversions. Search ads are text-based ads. Display ads appear on videos, popular websites, and mobile apps. Google has its own advertising system called Google Ads. Yahoo provides innovative and powerful ad solutions such as Yahoo Gemini. Information displayed in the ad should be very clear to the user. Remarketing is based on keeping a track of online behavior on users and displaying regular ads to them on other website. Creating ads for digital media. Importance of visualization in digital media. Visualization can be defined as the combination of creativity and common sense. In multimedia, visualization differs depending on the type of media in which it is used. The creative department conceives the idea or theme for any advertising campaign and implements it. So, जैसे कि आप देख सकते हैं, पर एक क्राफ्ट्स विला का एक ज्वेलरी एड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें HP स्पेशल डिज़ाइन फॉर या JSN ब्लू गॉर्जेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, जॉर्जेट, एंड यहाँ पर आप इस तरह का देख रहे हैं। सो डिज़ाइन एंड साइजेस फॉर डिजिटल एड्स। In digital media, since a lot is seen by the audience on a small PC screen or mobile phone screen, size of advertisement is restricted. The table shows the dimension that are allowed, just like 468 by 60, 1024 by 90, 970 by 90. So these are the size which we can use for mobile marketing. Design sizes for digital ads. Ad gallery has various options. Dynamic ads. This allows creation of media ads that maps to people location. Facebook ad. Facebook ads are shown as desktop right column or desktop news feeds on computers. Ads can also be placed as mobile news feed and on Instagram. Facebook ads. Following are the recommendation by Facebook for designing an ad image. The recommended image size ensure your image always looks high quality. Recommended size of the image is 1200 by 628 pixels. Text. This means the length of text or number of characters that can be displayed on small screens. Recommended characters are not more than 90 characters. Image type. It is recommended to use product images in multiple images. A sequence of storytelling strategy can be used to attract and reach customer. Creative optimization. This is a feature in Facebook that allows optimization and will display the images that perform better before other images in multiple ad sequence. Facebook ads. For video ads, some of the design recommendation are as follows. Recommended length of video is 120 minutes for Facebook. It is recommended that thumbnail image ratio match the aspect ratio, like video size and thumbnail size may completely both are same. There should not be more than 20% text in thumbnail image. यानी कि अगर हम लोग पूरे इमेज की बात कर रहे हैं, 100% इमेज में से 20% ही टेक्स्ट होना है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे आप। मिनिमम रेजोल्यूशन अलाउड फॉर लैंडस्केप इज 600x1315 एंड 600x600 फॉर स्क्वायर। मैक्सिमम फाइल साइज अलाउड इज अप टू 4GB मैक्स, विच एवर इज हायर बिफोर, लाइक या तो 120 मिनट का वीडियो का लेंथ हो या फिर वीडियो का लेंथ है आपका मान लीजिए 1 आवर का यानी 60 मिनट्स का, और आपकी वीडियो जो है वो 4GB की है, ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान रखना है कोई भी एक चीज़ जो आपकी पहले पूरी जाएगी, या तो आपका वीडियो का वेटेज या फिर वीडियो की लेंथ, 4 GB से बड़ी वीडियो नहीं जाएगी, 120 मिनट से ज़्यादा की लेंथ उसमें आप अपलोड नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपका वीडियो 3 GB का लेकिन लेंथ आपकी 120 को एक्सीड करे तो वो भी वीडियो आपका अपलोड नहीं होगा। क्रिएटिंग वीडियो एड्स फॉर यूट्यूब, यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले वीडियोज इन योर एडवर्टीजमेंट्स। वीडियो एड्स आर जनरली क्रिएटेड टू बी डिस्प्लेड ऑन प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब एंड गूगल सर्च। एनी वीडियो दैट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब कैन बी यूज फॉर एड क्रिएशन। टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स, स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल। थिंक ओरिजिनल, विजुलाइज ओरिजिनली। थिंक एक्शन, विजुलाइज एनर्जेटिकली। थिंक विजुअल, विजुलाइज पिक्चर्स। थिंक शॉर्ट, विजुलाइज स्वीटली। थिंक्स ओपनली, फ्रेंक विजुलाइजेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुलाइजेशन मेथड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। विजुलाइजेशन फॉर डिजिटल एड्स, एनी डिजिटल वीडियो एड दैट इज क्रिएटेड शुड बी क्रिएटेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। स्टार्ट विद प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। कम्युनिकेट द यूनिक सेल्स सेलिंग पॉइंट विच इज कॉल्ड इन शॉर्ट USP। वॉट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक एंड वॉट अदर आर नॉट ऑफरिंग। टेल पीपल फ्रॉम वेयर दे कैन लर्न मोर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड टेक एन एक्शन लाइक कॉलिंग और विजिटिंग योर वेबसाइट। एडवर्टाइजिंग, एन एडवर्टीजमेंट कॉपी रेफर्स टू द टेक्स्ट यूज्ड इन एन एड। सम ऑफ द टिप्स टू राइट एन इफेक्टिव एड कॉपी आर एज फॉलोज। ग्रैब अटेंशन, इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, ऑफर अ बेनिफिट एंड जनरेट एक्शंस। Summary: Visualization can be defined as the combination of creativity and common sense. The creative department conceived the idea or theme for any advertising campaign and implements it. An advertisement needs to be designed appropriately for digital media. Image ads are used for display network in Google and can be uploaded by user. Google also allows designing of image advertisements within AdWords. In Google AdWords, templates for creating an ad are provided along with various layout options. Facebook ads are shown as desktop right column or desktop newsfeed on computers. Ads can also be placed as mobile newsfeed. Facebook allowed 2 formats for ads: a single image or video and multiple images in one ad, जिसको हम बोलते हैं carousel ad। आप लोगों ने देखा होगा कई बार Amazon का आपको Facebook ad मिलता है जिसमें आप लोग स्लाइड करते जाते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स एक ही ad में आते जाते हैं आपके। Video ads are generally created to be displayed on platform like YouTube and in Google search. An advertisement copy refers to the text used in an ad. This includes headline, description, call to action button, and so on. Understanding social media marketing. Overview of role of social media. They help in marketing, but also help in bringing new customers. With the help of social media, so many people or attract on your product or services, and they planned after watching your product there to buy or grab your service, whatever you are offering. So next, ad campaigns can be run on these sites. Simple posts can be posted on new products or service to update audience. Tips can be shared as well. Overview, roles of social media. It helps in building relationship between a business entity and customers. Social media provides customer insights. Social media marketing campaigns can be used without overwhelming the customer. Small businesses benefits by social media marketing campaigns. Necessary for retailers to include social media in their advertising and marketing strategy.
Social network help to interact and deal with customers on a personal level. Social media also influence online purchases. आज के डेट में ऐसे सो मेनी वॉइस बहुत लो आ रही है. बहुत लो आ रही है. लेट मी चेक. हाँ जी. लेट मी चेक. अभी चेक करो. ठीक है. अभी बेटर है. अभी भी लो ही है तो तानू पहले तो भी कर दी. वो नेट का भी बीच में ना प्रॉब्लम होता है. एक बार के लिए ना बंद हुआ था. मे भी शायद उधर से कुछ प्रॉब्लम हुआ हो. बट मेरे यहाँ से तो बार्स पूरे मूव कर रहे हैं. 100% ऑडियो है. रोल ऑफ सोशल मीडिया builds relationship between business entity and customer, provide customer insights, influence online purchases, allows small businesses to compete with well-known brands. So ये hierarchy है. यहाँ से हम लोग start करते हैं. This is a top level. Latest trends in social media like buy button, live video broadcast, social media ads, new publication options, social influence, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स. सोशल मीडिया टाइप्स: सोशल नेटवर्क, बुक मार्किंग साइट्स, सोशल न्यूज, मीडिया शेयरिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, डिस्कशन फोरम्स एंड ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग. फॉलोइंग डिस्क्राइब ईच सोशल मीडिया टाइप एंड देयर प्राइमरी फंक्शन. गाइडलाइंस टू क्रिएट इफेक्टिव सोशल मीडिया कैंपेन. Guidelines to create a good plan. Analyze the market on which the social media campaign will be running. This process is called situational analysis. A study of target audience in relation to the social media marketing campaign. Evaluate the target audience and their social media uses. Select appropriate social medium such as blogging for the social media campaign and explore it. Social media campaigns could include a variety of interactive options. Guideline to create effective social media campaigns. Perform situational analysis. Study the target audience in relation to the social marketing campaign. Evaluate the target audience and their social media uses. And select the appropriate social medium. Summary: social media allows rooms for creative marketing strategy. Social media helps in building relationship between a business entity and customer. Small businesses benefit by social media marketing campaign. Some of the latest trends in social media include buy button, live video broadcast and social influence. Data driven marketing plans are now extensively used to send out personalized messages to customers. Social media networks allow user to connect with people of similar interest like Facebook, LinkedIn and Google Plus are popular social networking sites. Bookmarking sites allow user to save links to web pages and they want to share. Microblogging refers to the service of publishing short text update like unlike traditional blog. VALS segmentation systems can be followed to analyze the lifestyle and motivation of the target audience. Social media marketing campaign. Facebook advertisement की बात करते हैं. Facebook has changed the way businesses is done. Even small time business owner have started using Facebook and execute their business in the simplest way. Facebook Insights, a powerful tool, help to track user interaction. It clearly shows what set of audience is showing interest, if desktop is performing better than mobile, and the result rate. So designing a Facebook campaign
What is the flow? So first click manage page and then click ads manager. Select create campaign. Select the objective of the campaign. Type of campaign named and click continue. Next select the ad set. Create the ad set. Next define the audience and click save this audience. Next set the schedule and budget of the ad. Next is define the placement. Next define the ad set name and click continue. Next, the next step is to create the ad. After that, select and upload the creative for the ad. Next, add the relevant information of the ad such as headline and URL to be promoted. And last is click review order to review the order and then click place order. So this is the flow how to list your ad on Facebook PPC. So you learned that the third step is to select the objective of campaign. So what is objective? तो जैसे कि हम लोगों ने गूगल ऐड में देखा था कि गूगल के कुछ ऑब्जेक्टिव थे कि आपका पर्पस क्या है गूगल पर ऐड रन करने का, लाइक आप सेल्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं या रीच बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया पर ऐड व्यूज़ लाना चाह रहे हैं या फिर आप यूट्यूब के वीडियो के ऊपर लाइक्स बढ़ाना चाह रहे हैं, सब्सक्राइबर्स गेन करना चाह रहे हैं, अपना कोई मोबाइल एप्लीकेशन प्रमोट करना चाह रहे हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी जब गूगल फेसबुक में आप आते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियरली पूछा जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है बूस्ट योर पोस्ट, प्रमोट योर पेज, सेंड पीपल टू योर वेबसाइट, इंक्रीज कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट, गेट इंस्टॉल टू योर ऐप ऑफ योर ऐप, इंक्रीज इंगेजमेंट इन योर ऐप, रीच पीपल नियर योर बिजनेस, रेज अटेंडेंस एट योर इवेंट, गेट पीपल टू क्लेम योर ऑफर, गेट वीडियोज व्यू, कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस। So these are the objectives which you can select while you are registering your Facebook ads. Facebook advertisement, monitoring ads. Advertisement should be constantly monitored. It should be checked for a good click-through rate. The advertiser can go to the ad account and see all the details of the ad. The advertiser should constantly monitor click-through rates, CTR, action rates, and cost per click CPC. The CTR comes down over time as longer target audience views the ads. It is recommended to keep the content of the ad fresh and engaging. Facebook advertisement, Facebook communities and groups. Users can create Facebook groups to discuss topics of common interest. It can become an excellent platform to carry out marketing campaigns and reach out the interested people. A group can be made people private or secret. Public group can be seen by anyone. Members and posts can also be seen by anyone. Private group can also be seen by anyone, but only members will be able to see the post. Like जैसे कि आप लोग Instagram में Facebook में करते हैं, only your friend can see what you post there or not. Only members of secret group can find the group and see your post. Business to business, B2B advertisement. What is B2B advertisement? B2B refers to businesses that occur between wholesaler and retailer. Ads given for B2B are referred to as B2B ads. LinkedIn advertisements. To reach out the professional audience, LinkedIn is the best available tool. Steps to create a LinkedIn text and image ad. In the LinkedIn account, click business services, advertise, then click text and images, ads, and click create an ad.
प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे तब इसको हम लोग देखेंगे. सिमिलरली गूगल प्लस प्रेजेंस अब ये डिसकॉन्टिन्यू हो चुका है 2019 के बाद से, अब ये यूज़ में नहीं है. गूगल प्लस इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाई गूगल टू शेयर इन्फॉर्मेशन सच एज वीडियोज़ पिक्चर एंड लिंक्स विद पीपल हु शेयर द सेम इंटरेस्ट टू शेयर द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स कलेक्शन कम्युनिटीज एंड होम स्ट्रीम. सो गूगल प्लस में होता था कलेक्शंस कम्युनिटीज एंड होम स्ट्रीम. गूगल प्लस पेजेस अ गूगल प्लस बिजनेसेस पेज कैन बी क्रिएटेड एट google.com/business. गूगल प्लस कम्युनिटीज आर यूज टू फाइंड पीपल हु शेयर अ पर्टिकुलर हॉबी और इंटरेस्ट. अ यूजर कैन ज्वाइन अ कम्युनिटी टू क्रिएट अ कम्युनिटी. अ कम्युनिटी कैन ऑल्सो बी प्राइवेट और पब्लिक. This has to be specified at the time of creating a community which cannot be changed later. मतलब आपको पहले ही प्लान करना होगा कि वो आपका पब्लिक रहेगा या प्राइवेट. Twitter. Twitter is a platform to stay connected with friends, family and colleagues through exchange of short messages. These short messages are called tweets. A tweet can be text up to 140 characters, photo, videos or links. To create a business profile, here is a list of items required. Username, which is also called Twitter handle. Note that this is a unique identifier in Twitter. Profile photo. Select a photo that represents the company brand. Business brief about 160 character. Header image which can feature product or service. This functions as a billboard of the company. Pinned tweet, which can be latest news, products or offerings. And sending out short messages on Twitter is referred as microblogging on Twitter. These are also called tweets. Other social media platform like Pinterest, Instagram, YouTube, StumbleUpon and Reddit. Summary. Facebook has changed the way business is done. Facebook ads cost less when compared to radio, print and TV ads. Advertisements should be constantly monitored and checked for a good click-through rate. Users can create Facebook groups to discuss topics. Of common interest, user can create a Facebook community page to gain supporters for a cause or community. B2B refers to businesses that occurs between businesses, such as between wholesaler and retailer. To reach out the professional audience, LinkedIn is the best available tool. Google Plus is a social media platform by Google to share information such as videos, pictures and links with people who share the same interest. Twitter is a platform to stay connected with friends, family and colleagues through the exchange of short messages. Next हम लोग देखेंगे क्लास में मोबाइल एप्लीकेशन. सो अब हम लोग ये कुछ से हमारे रह जाएंगी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए. फिर उसके बाद हम लोग वन बाय वन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, इन सभी को प्रैक्टिकली अप्रोच रखेंगे कि कैसे आप इनके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं चीज़ें. ठीक है, आज के लिए यहीं पर एंड कर रहे हैं. थैंक यू.